जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, मालिका ग्रंथों से डिकोड करके जितनी घटनाएं मैंने कही है, एक एक सच होते जा रहा है। कल के अध्याय में हमने भीड़ तंत्र के बारे में चर्चा किया डिटेल्स में। आज और एक महत्वपूर्ण घटना सोलर स्टॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, नोटिफिकेशन का घंटा भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन ओडिशा के दिव्य एवं महान संत गुरु पंचसखाओं के द्वारा रचना की गई ग्रंथों की माला मालिका पर चर्चा करता हूँ, जो कि इस कलयुग का एकमात्र अमृत है। आज का नया अध्याय आरंभ करते हैं। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। दोस्तों, प्रूफ के साथ बात करूंगा, ना इधर की ना उधर की काल्पनिक चीजें नहीं बताऊंगा, सत्य की बात करूंगा प्रमाण एवं तथ्य के साथ। दिसंबर 7 तारीख 2021, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिसंबर 7, 2021 में अध्याय 219 यानी 219 में क्लियरली बोला था सोलर स्टॉर्म आएगा, सैटेलाइट अचल होके गिरेंगे, वैज्ञानिक यंत्र फेल मारेंगे। जितना डिटेल्ड एनालिसिस मालिका का आपको मैं कहता हूँ, शायद ही कोई देगा, क्योंकि देखिए मालिका जितने ग्रंथ है वो कोई साधारण भाषा में नहीं लिखा है। ये गुप्त ज्ञान है जिसको पंच सखाओं ने सीक्रेट कोड्स के माध्यम से लिखा है, और उन कोड्स को क्रैक करना सबके बस की बात नहीं है। आज तक बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है लेकिन बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये भविष्य की बात है। अगर गलत हाथों में पड़ गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। हो सकता है क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कुछ यूट्यूब चैनल मालिका का नाम लेके दुकान खोलकर बैठे हैं, हालांकि उसको मालिका का कोई ज्ञान नहीं है, बस नाम लेकर लोगों को भ्रमित करना चाहता है, अपना दुकान चलाना चाहता है। ये तो गुरु अच्युतानंद जी का आशीर्वाद ही है कि अभी ओडिशा के बाहर रह रहे भक्तों तक सही ज्ञान पहुंच रहा है। श्री कृष्ण जी ने सही ही कहा था, जब जब असत्य अधर्म फैलता है कोई ना कोई जरूर आता है सत्य को प्रकाश करने, धर्म की रक्षा करने। तो अभी सोलर स्टॉर्म क्या है समझते हैं। सूरज की सतह पर विस्फोट से पैदा होता है शक्तिशाली सौर तूफान यानी सोलर स्टॉर्म, और ये अति तेजी से पृथ्वी की तरफ आता है और पृथ्वी से टकराता भी है। इस सोलर स्टॉर्म से पृथ्वी को सुरक्षित रखता है मैग्नेटोस्फीयर, लेकिन अभी यह मैग्नेटोस्फीयर यानी चुंबक मंडल दुर्बल हो चुका है। दुर्बल कैसे हुआ, इसका कारण भी और कोई नहीं, हम ही हैं, और आज का सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस है, विज्ञान ही है। पहले तो ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ काटे जा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ते ही जा रहा है। दूसरा है अत्यधिक सैटेलाइट लॉन्च, करीब 7000 सैटेलाइट ऊपर पृथ्वी के ऊपर आज मौजूद हैं। तीसरा है मिसाइल टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग, कोई न्यूक्लियर मिसाइल, कोई हाइड्रोजन मिसाइल, कोई बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह वगैरह।
और हिरोशिमा नागासाकी वाला तो सबको मालूम ही होगा। इन सब का इफेक्ट अभी हो रहा है दोस्तों, हमारा चुंबक मंडल दुर्बल हो चुका है, फल स्वरूप सौर तूफान यानी सोलर स्टॉर्म पृथ्वी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है। और सोलर स्टॉर्म छोटा मोटा मत समझना, पूरे पृथ्वी को जला के राख करने का शक्ति रखता है, जिसका आरंभ हो चुका है। स्टारलिंक सैटेलाइट स्पेस एक्स कंपनी के एलोन मस्क का नाम सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा चोर। चोर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भारत के लोगों को चूना लगाने जा रहा था। मैन्युफैक्चरिंग करता है चाइना में, ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग करता है चाइना में और सामान बेचने आया था इंडिया में, भारत में। भला हो मोदी सरकार का जो सही समय पे उस पर बैन लगा दिया। उसने एक गाड़ी बनाई थी टेस्ला साइबर ट्रक नाम से, कहा कि इसका जो कांच है ग्लास है टूट नहीं सकता। जिस दिन लॉन्च हुआ खुद एलोन मस्क ने छोटा सा हथौड़ा लेके मारा, ग्लास टूट गया। यहाँ तक कि हमारे इसरो, भारत के इसरो को बर्बाद करने के पीछे पड़ा है। तो उसी के कंपनी के 40 सैटेलाइट 40 सैटेलाइट उसी सोलर स्टॉर्म सौर तूफान के वजह से बर्बाद हो गए, टूटकर बिखर गए। जैसा कहा था एपिसोड 219 में, 219, ध्यान दीजिएगा, मैं छोटा मोटा बात नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। जैसा कहा था एपिसोड 219 में ठीक वैसा ही हुआ, 40 सैटेलाइट बर्बाद हुए और एक एक करके पृथ्वी पर गिर रहे हैं। कोई जल जा रहा है, कोई इधर उधर घूम रहा है, क्या होगा भगवान ही जाने। ये तो ट्रेलर है दोस्तों, आगे आगे देखते जाएं क्या क्या होता है इस पृथ्वी पर। वो दिन दूर नहीं जब दोनों पोल्स यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल, सुना होगा ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल बदल जाएगा। कल के अध्याय में ही कहा था सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उदय होगा। आशा करता हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।